एक गांव में एक नाई रहता था, उसका नाम था रघु। गांव के लोगों के बाल काटना, उनकी दाढ़ी बनाना, मालिश करना, ये रघु का काम था। इस काम से जितने पैसे रघु कमाता था, उससे बस वो अपना घर चला सकता था। रघु रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करके भगवान की पूजा करता, सुबह का नाश्ता लेता और उसके बाद अपने औजारों की झोली लेकर वो हर रोज अपने काम के लिए बाहर निकलता था। घर से निकलने से पहले रघु ये तसल्ली करता था कि उसने अपने काम के सारे औजार जैसे कि कैंची, कंघी, आईना, उस्तरा सब लिया है कि नहीं। गांव में चलते फिरते ही वो आवाज लगाता था, ए रघु आया, रघु बाल कटवा लो, चंपी करवा लो, चलो रघु आया रघु। गांव का चक्कर लगाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठता था। आने जाने वाले लोग और गांव वाले पेड़ के नीचे ही रघु से अपनी हजामत करवा लेते थे। कह सकते हैं कि ये रघु की छोटी सी दुकान ही थी। एक दिन रघु ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक गांव वाला उसके पास आकर बोला, अरे ओ रघु, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सरपंच तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, जल्दी से उनके घर जाओ, वो बहुत गुस्सा है। अरे बापरे, हाँ हाँ मैं तुरंत जाता हूँ, बताने के लिए शुक्रिया। रघु ने अपने सारे औजार जल्दी जल्दी थैली में भर दिए, तेज भागते भागते सरपंच जी के घर की ओर गया। चलो आज सरपंच जी की चंपी, मालिश और दाढ़ी बनाकर बड़ी अच्छी कमाई होगी, उन पैसों से मैं नए कपड़े खरीद सकूंगा। थोड़ी देर में ही रघु सरपंच जी के घर पहुंचता है। अरे रघु, अरे आप आ रहे हो तुम, इतनी देर क्यों लगा दी? ये देख, सिर पे चिड़िया का घोंसला बन चुका है और दाढ़ी का भी जंगल बन गया, चल हाथ चला जल्दी जल्दी चल। सरपंच जी का गुस्सा देख के रघु डर गया और उसने झट से सरपंच जी के बाल काटना शुरू कर दिया। ए रघु, पता है ना तुझे, बाल काटते हुए और दाढ़ी बनाते हुए मूंछ को धक्का नहीं लगना चाहिए, और अगर कुछ गलत हुआ तब तेरी खैर नहीं, बिल्कुल समझ गया ना? अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी मूंछों को कैसे कुछ होने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। सरपंच जी के बाल काटने के बाद रघु ने उनकी दाढ़ी बनाना शुरू किया। जब वो दाढ़ी बना रहा था, एक मच्छर उसके कान के करीब आया और मच्छर ने रघु को जोर से काटा। मच्छर के काटने पर रघु के हाथ को झटका लगा और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। सरपंच जी की आधी मूंछ रघु के हाथ से अनजाने में कट गई। ये क्या कर दिया तूने? अरे तुझे बताया था ना मैंने, मूंछों को धक्का नहीं लगना चाहिए, तूने तो मेरी आधी मूंछ काट डाली। वो गधे, अब क्यों नहीं बोलता? अब ये सरपंच सारे गांव के सामने कैसे जाएगा? अरे नहीं 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 सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं काटी आपकी मूंछ, सच में। अरे गलती से हुआ हो या जानबूझकर, इससे क्या फर्क पड़ता है, मूंछ तो गई ना मेरी, तुरंत वापस थोड़ी आएगी। तू रुक, तेरी आज छीका भर लेता हूँ इधर। डरे हुए रघु ने झट से अपने सारे औजार थैली में डाल दिए और वो वहां से भाग गया। सरपंच भी लाठी लेके उसके पीछे पड़ गए। भागते भागते रघु एक पत्थर से टकराया और उसके सारे औजार जमीन पे गिर गए। उसके थैली में जो आईना था वो तो थैली के अंदर ही टूट गया। रघु ने सारे औजार फिर से उठाए, कैसे तैसे थैली में भरे और फिर से भागने लगा। भागते भागते रघु जंगल की ओर गया। जंगल में एक बड़े से पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। सरपंच बुढ़ापे की वजह से